ऑर्गेनाइज्ड न्यूज देख रहे हैं आप। दिल्ली में प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की दलीलें सुनी गई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ऑडिट का आदेश देने को मजबूर ना करे। सुनवाई से पहले अपने एफिडेविट और फिर सुनवाई के दौरान भी दिल्ली सरकार ने कहा कि वह लॉकडाउन को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन NCR और पड़ोसी राज्यों में भी लगना चाहिए। दिल्ली की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके दिल्ली सरकार को नकारा और विज्ञापन जीवी करार दे दिया है। कितनी सारी तीखी प्रतिक्रियाएं करके सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कह दिया है कि प्रदूषण से निपटने का इंतजाम आप नहीं कर पाए और इस समस्या को दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, तमाम तरह की दलीलें दिल्ली सरकार के वकीलों ने दी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, और साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली सरकार जिसको मुद्दा बनाकर, पराली को मुद्दा बनाकर जो प्रदूषण की बात दिल्ली में कर रही है वो कोई मुद्दा नहीं है, वो दिल्ली सरकार उस पक्ष को बेमानी से रख रही है। मात्र 4% दिल्ली में प्रदूषण पराली के जलने से पैदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अधिक से अधिक प्रदूषण 70% प्रदूषण व्हीकुलर ट्रैफिक से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डस्ट से होता है, जिसका कोई जवाब दिल्ली सरकार के वकीलों के पास नहीं था, दिल्ली सरकार के पास नहीं था। दिल्ली सरकार के वकीलों ने बचने की कोशिश की, सरकारी अफसरों पर टालने की कोशिश की, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना मर्जी समय लगे लेकिन आज इस पे अंतिम निर्णय हमें लेना है कि दिल्ली सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है और क्या ठोस कदम उसको इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाने चाहिए।